नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं संकट मोचन जय धर्मराज फाउंडेशन के बैनर तले। यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहीं पे करीब में ही संकट मोचन वीर हनुमान जी का एक मंदिर है, जो प्रभु राम जी के प्यारे, माँ सीता के दुलारे और 11वां रुद्र बाबा भोलेनाथ के अवतार हैं। आज उनके ही प्रांगण में एक भव्य यज्ञ और अष्टजाम 24 घंटा के लिए हो रहा है। यह रामनवमी के दिन से ही हो रहा है, तो आइए इसी से जुड़ा हुआ यहाँ के तमाम पदाधिकारियों से आपको रूबरू करवाते हैं और चीज़ों को और स्पष्ट तरीके से प्रेम से कहिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग। अकीब, किस क्लास में पढ़ते हैं अकीब? हनुमान, हनुमान जी से आशीर्वाद आपको मिला? हनुमान जी से क्या मांगते हैं आप? वाह वाह वाह, तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री, जय श्री राम। हाँ प्रणाम। क्या नाम है आपका? तो विष्णु जी आप क्या बने हैं? हम लोग उधर ही थे, राम बने हैं। तो और आप क्या बने हैं? सीता। तो विष्णु बाबू, आपको ये कहाँ से, कौन बोला कि राम जी बनना है? ज्योति दीदी बोली। आपको अच्छा लगा राम बन के? राम जी से पूजा, राम जी को पूजा करते हैं? क्या मांगते हैं राम जी से, बोलिए क्या मांगते हैं? हाँ वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हनुमान जी आपको जरूर देंगे, राम जी आपको जरूर देंगे। और सीता मैया, क्या नाम है आपका? मेघा। तो मेघा, आपको कैसा लगा माँ सीता का रोल करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आप कल जो रामनवमी होने वाला है, आज किसके मंदिर में आप खड़े हैं? हनुमान जी के मंदिर में ना। तो कल के लिए आप क्या संदेश देंगे देशवासियों को, लोगों को? कल जो रामनवमी होने वाला है, तो आप उनसे क्या बोलना चाहते हैं लोगों से? आप अच्छा, और आप क्या हनुमान जी से मांगती हैं? वाह, तो आपका क्या सपना है, आगे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? वाह वाह वाह, हैट्स ऑफ यू, आप जरूर बनेंगे एक दिन, हनुमान जी आपका जरूर पूरा करेंगे। लेकिन मन लगा के पढ़िएगा, हाँ, और अपने से बड़ों को बहुत आदर कीजिएगा, ठीक है? छोटों को बहुत प्यार कीजिएगा और अपने देश से प्यार कीजिएगा। तो एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। Oh,
आपका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। मैं पंकज, आप अपने बारे में बताइए, आपका शुभ नाम। मेरा नाम है दीपेश नाहा, मैं हमारा संकट मोचन जय धर्मराज फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ जी। तो मेरे साथ संगठन का और सब आदमी है। एक्चुअली हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है संकट मोचन जय धर्मराज फाउंडेशन की तरफ से, हम लोग का प्रोग्राम रामनवमी दिन से ही शुरू हो गया था। हम लोगों का शुभारंभ हुआ था शोभा यात्रा के माध्यम से, उसके बाद से हम लोगों का यहाँ पे भंडारा का प्रोग्राम किया गया है। अष्टनाम जप और नाम संकीर्तन आप सुन रहे हैं पीछे, हम मेरे पीछे वो नाम संकीर्तन हो रहा है हम लोग इधर। इसके अलावा यहाँ पूजा का प्रसाद वितरण भी किया गया है और भंडारा की व्यवस्था भी किया गया है। और हम लोगों का एक्चुअली हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समाज सेवा मूलक काम ज़्यादा करते हैं, हम लोग उस काम में व्यस्त रहते हैं। हम लोग जो गरीब बच्चों हैं उसके लिए किताबें वितरण करते हैं और मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप ये जो प्रोग्राम है, और गरीबों के लिए खाना, जो मतलब असहाय लोग हैं रास्ते में रहते हैं उनके लिए खाना वितरण, ये माध्यम से हम लोग का काम ही ये है। और हम लोग ये काम 5 साल से कर रहे हैं और हम लोगों का मतलब कोई गरीब आदमी का या कोई असहाय आदमी का पैसा के वजह से इलाज ना हो, ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग एक तो हम लोगों का संगठन की तरफ से हॉस्पिटल बना रहे हैं। वो हॉस्पिटल का काम अभी ज़मीन हम लोगों का मिल गया है, अभी हम लोगों का वो चालू हो, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा। और जो गरीब बच्चों है वो किताब उसके लिए जिस मतलब पैसा के लिए पढ़ नहीं पा रहा है, वैसे बच्चों के लिए भी हम लोग अभी फिलहाल 2 स्कूल अभी हम लोग इस संगठन के नाम पे चला रहा है। वो स्कूल अभी मोटा मोटी एक महीने के अंदर चालू हो जाएगा, उसके बाद और भी स्कूल हम लोग ये संगठन के अंडर में लेने वाले हैं। और मोटा मोटी हम लोगों का मोटो है जैसे भगवान श्री राम के उद्देश्य पर चलना, जैसे और हनुमान जी का सेवा उसके अंडर में रह के हम लोग लोगों का भी जैसे भला कर सके, जैसे कोई आदमी भूखा ना रहे, कोई मतलब लाइलाज ना रहे, ऐसे देखने के लिए यही बोल के मैं। आप लोग कितने वर्षों से ये कार्य को करते हैं, जैसे कि 5 साल जो आप बताएं हम लोग कर रहे हैं कांस्टेंट, और अभी हम लोगों का रजिस्ट्रेशन 3 साल का है जी जी। तो आप ये जो बच्चों को शिक्षा सामग्री जो आप लोग वितरण करते हैं, अब तक लगभग कितने बच्चों को आप लोग दे चुके हैं? एक्चुअली हम लोग ऐसे क्वांटिटी के हिसाब से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग कैंप के माध्यम से कर रहे हैं। वो हम लोगों का जो इधर जो मंदिर का बगल में हम लोग इधर से काम पहले शुरू किया था, मतलब 3 साल से ये हम लोगों का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हर एक जगह में कर रहे हैं, ऐसे कोई वो नहीं है कि इधर कर रहे हैं सिर्फ इधर हो रहा है वो नहीं, हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मतलब हर वार्ड में हम लोग ये काम कर रहे हैं। इवन कि आप लोग पंचायत इलाके में पंचायत इलाके में भी कर रहे हैं, और हम लोगों का प्रोग्राम है नक्सलवाड़ी में भी हम लोग जोगाजोग कर रहे हैं। अभी मोटा मोटी इधर म्यूनसिपलिटी इलाका के बगल में भी हम लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं, और आपका सबका अगर सहयोग रहेगा तो हम लोग बहुत लोगों का और भी उपकार वाला कार्य करेंगे। आप लोगों का ये उद्देश्य क्या है ये काम करने के? समाज सेवा मेन है, समाज सेवा ही है तो लेके चलना है। आप मैं तो कर जी, आप हमें ये बताइए कि आज ये अपना जो संकट मोचन जय धर्मराज फाउंडेशन में जुड़ करके आपको कैसा अनुभूति हो रहा है? मेरा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हम इतना जो जिसका सेवा करना पा रहा है, जैसे श्री राम जी का भक्त बनना पा रहा है, जैसे हनुमान जी का भक्त हो गया, भक्त होकर हम ऐसा कर पा रहे हैं कि जो गरीब दुखी लोग हैं, जो हम लोग हॉस्पिटल हेल्प कैम्प हो ऐसे में काम करना पा रहे हैं, तो बहुत खुश हूँ। क्योंकि जो मानव धर्म का एक तो सेवा ही वही धर्म है, कर्म ही धर्म है,
एक तो कर्म करना चाहिए, कर्म में धर्म होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा जुट कर थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। इस संकट मुक्त हमारा फाउंडेशन में कोई ऐसा आदमी है, वो दिलदार हो, किसी को हेल्प करना चाहते हो, किसी को कुछ हेल्प करके दुखी जो बीमारी लोग का हेल्प कर जाता है, जो पढ़ नहीं पाता है वो बच्चा का हेल्प कर जाता है, तो उसके उस मन में ऐसा हेल्प करने का कोई है तो इसमें जुड़ सकता है, जुड़कर अच्छा काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि मैंने अभी वार्तालाप किया ऑफलाइन जब मैं था, तो यहाँ पे पता चला कि आप लोग राम जानकी भूमि पूजन भी आरंभ करने वाले हैं, तो ये स्थान कहाँ पे है और कब करने वाले हैं, इसका दिशा निर्देश क्या है थोड़ा बताइए। मंदिर का जो आप मंदिर देख रहे हैं जी जी, मंदिर का बगल में हम लोग कल कि मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और कल हवन भी इधर होगा, वो जमीन में हवन होगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद हम लोगों का भूमि पूजन करके काम। अच्छा अच्छा। मंदिर का कार्य। अच्छा अच्छा। मंदिर में क्या करने वाले हैं अभी आप लोग, जैसे मंदिर तो ऑलरेडी दिख बन चुका है, तो ये है और एक तो राम जानकी मंदिर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये संकट मोचन हनुमान जी का है, एक राम जानकी मंदिर बनवाएंगे और इसको घेरा बाउंड्री वगैरह भी करवाने का प्लान है। घेरा बाउंड्री बनाने का प्लान है और एक तो हम लोग का प्लान है कि इधर में एक तो छोटा मोटा भवन बना के जाते इधर का कोई मतलब जितना बेसहारा आदमी लोग, कोई बच्ची का कोई शादी हो या कोई प्रोग्राम हो जो कम खर्चा में हो जाएगा, इसलिए उसका भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है ये अष्टजाम में आकर के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। तो आप अष्टजाम करने गाने नहीं गए? गया था। गए थे। चलिए आप, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। तो ये कितने कितने दिनों का है आपके घर के सामने में? एक दिन और एक रात का है सर। दो दिन का बोलो ना। अच्छा, जब आपके घर के आसपास में इस तरह का पूजा अनुष्ठान होता है तो कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी लगता है। बहुत बहुत खुशी लगता है ना? हम लोग ऐसे होने में बहुत खुशी लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। सामने में ये क्या हो रहा है कुछ आपको पता है? ये हम लोग का घर का सामने में हम लोग का ही मंदिर है जी जी, हनुमान जी संकट मोचन हनुमान मंदिर है जी। आज ये हनुमान जयंती है, आज हनुमान जयंती का महोत्सव हो रहा है जी। और सुनने को मिल रहा है आज हनुमान जी का जन्मोत्सव और बहुत आदमी इसको जयंती के रूप में भी उच्चारित करते हैं, करते हैं हाँ, ना तो आपके हिसाब से इसके बारे में क्या राय है, ये हनुमान जी का जयंती है या हनुमान जन्मोत्सव है? ये हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो जयंती और जन्मोत्सव में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत है इसमें, डिफरेंट है। जैसे क्योंकि हनुमान जयंती जो जो मतलब मर जाते हैं उन्हीं का जयंती मनाया जाता है, और हनुमान जी तो अजर अमर है, वो तो अभी भी है इनका, इसलिए जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीला सुनार है। जय सीताराम। धन्यवाद। आप सभी को संकट मोचन हनुमान जी बहुत खुश रखे, आपका आशीर्वाद लगे हम लोग को। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तब ठीक है भन्न त हराउनु भयो त। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा।